गांव के एक स्कूल में मेरा तबादला हुआ। मेरे पति राजीव बहुत परेशान थे। वे कहने लगे, अंजलि तुम अकेले अनजान गांव में कैसे रहोगी, छोड़ दो नौकरी। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, आपको पता है मुझे कितनी मुश्किल से ये सरकारी नौकरी मिली है, 2 या 3 साल में ट्रांसफ़र ले लेंगे। तुम्हें पता है मुझे बच्चों को पढ़ाना कितना अच्छा लगता है, मैं सब संभाल लूँगी। राजीव को किसी तरह समझा तो दिया, लेकिन मैं खुद अंदर से डर रही थी। शहर की बात और है, नए गांव में रहना, वहां नौकरी करना, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप सामान पैक कर लिया। राजीव ने कहा, अंजलि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, वहाँ 1-2 दिन रुककर तुम्हें सेटल करके वापस आ जाऊँगा। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि चलो 2-3 दिन ही सही, ये मेरे साथ होंगे तो डर कुछ कम लगेगा। सुबह की ट्रेन पकड़कर हम गांव के लिए निकल गए। ट्रेन से उतरकर बस लेनी होती है, जो कि गांव से 3 किलोमीटर पर उतार देती है। वहां से कोई टांगा लेना होगा। ट्रेन तक तो ठीक था, लेकिन गांव जाने वाली बस में तो बुरा हाल हो गया। उसमें चढ़ना ही मुश्किल था, खड़े खड़े हालत ख़राब हो गई गर्मी में। तो अच्छा हुआ केवल 3 किलोमीटर का सफ़र था। दोपहर के 3 बजे थे, हम गांव में पहुंच गए, सीधे स्कूल गए। वहां जाकर देखा तो छुट्टी हो चुकी थी। टूटा फूटा स्कूल था, वहां बड़ा सा बरामदा था, वहीं एक कुर्सी पर चौकीदार बैठा था। देखते ही दौड़ कर आया और बोला, आप ही नई मास्टरनी हैं, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, चलिए आपको प्रिंसिपल साहब के घर लेकर चलते हैं। कुछ ही देर में हम तीनों प्रिंसिपल रघुवीर सिंह के घर पहुंच गए। रघुवीर जी बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मेरे रहने का खाने का सब इंतज़ाम अच्छे से कर दिया था। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी तो मेरे पति राजीव ने कहा, आज गांव में घूमने चलते हैं, इससे तुम्हारी कुछ लोगों से जान पहचान भी हो जाएगी और राशन का ज़रूरी सामान भी ले लेंगे। हम दोनों सुबह दस बजे निकल गए गांव घूमने। गांव के बाहर हरी घास का मैदान था, वहां एक ऊंचा सा टीला बना हुआ था, उसी पर पहली बार मैंने मंगल को देखा। वो भेड़ों को चरा रहा था, 8 साल का रहा होगा। छोटा सा बच्चा हाथ में एक लकड़ी पकड़े हुए भेड़ बकरियों को हाँक रहा था। मैं उस टीले पर चढ़ गई, मेरे पति भी वहीं आ गए। टीले पर चढ़कर पता लगा कि ये तो बहुत छोटा सा गांव है, टीले से पूरा गांव दिखता था। मैंने मंगल से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो? मुझे सर से देखने लगा और फिर वह हंसने लगा। मुझे कुछ गुस्सा आया, फिर भी अपने को शांत करते हुए मैंने पूछा, क्या हुआ इसमें हंसने की क्या बात है? फिर वह बोला, नहीं नहीं मैम साहब, पहली बार किसी ने बेटा कहा है, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है। राजीव जी ने उससे पूछा, क्यों तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या कहती है? यह सुनकर मंगल के चेहरे के भाव बदल गए, हंसी की जगह एक उदासी ने उसके चेहरे पर अपना डेरा जमा लिया था। वह बोला, मेरा कोई नहीं है, ना घर है, ना माँ बाप है, ना भाई बहन है, बस ये भेड़ बकरियों के ही मैं साथ रहते हूँ। यह सुनकर मुझे एक धक्का सा लगा। मैंने उसे अपने पास बिठाया और पूछा, तुम कब से इस गांव में हो? मंगल बोला, मेरा तो जन्म ही इस गांव में हुआ है, माता पिता शहर गए थे पैसे कमाने, वहां कोई बीमारी फैल गई, फिर कभी वापस नहीं आए। वह कोरोना की बात कर रहा था।
मैंने पूछा, सारा दिन भेड़ चराते हो या पढ़ाई भी करते हो? मंगल मेरी बात सुनकर सिर खुजलाने लगा। आप स्कूल में पढ़ाने आई हैं क्या? मंगल ने पूछा। मेरे हाँ कहने पर बोला, मुझे कौन पढ़ाएगा और पढ़ने जाऊंगा तो भेड़ कौन चराएगा? मैंने उससे पूछा, क्या तुम पढ़ लिख कर कुछ बड़ा नहीं करना चाहते? वह बोला, पहले तो पेट भरने के बारे में सोचना पड़ता है, बाकी चीज़ें तो बाद में आती है। मैं उसकी बातों से बहुत प्रभावित हो रही थी कि कैसा लड़का है, बेफिक्र, अपने आप में मस्त, जैसे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं और राजीव चुपचाप अपने घर वापस आ गए। अगले दिन राजीव को घर वापस लौटना था तो वो उदास ही थे, उन्हें बस अड्डे तक छोड़ने जा रहे थे। तभी मंगल आ गया। वह बोला, लाइए मैं आपका सामान ले चलता हूँ। मैंने कहा, नहीं बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, हम ले जाएंगे। मेरे पति राजीव ने भी इस बात का समर्थन किया। मंगल ने जिद करके सामान ले लिया और साथ में चलने लगा। चलते चलते उसने कहा, पहली बार किसी ने मुझे बेटा कहा है, चाचा आप जाओ, चाची को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इनका ध्यान रखूँगा। अचानक से एक नया रिश्ता सुनकर हम दोनों हंसने लगे। बाद में गांव में रहते रहते मुझे पता लगा, वहाँ यहाँ हर इंसान एक दूसरे के किसी न किसी रिश्ते से बुलाते हैं, जैसे ताऊ ताई, चाचा चाची। मैं स्कूल में पढ़ाने जाती तब मंगल भेड़ चराने जाता था, वहाँ से आने के बाद मेरे पास आ जाता, मैं उसे खाना खिला देती थी, शाम को मुझे गांव से सारा सामान ला देता था, रात को वह चला जाता था। मैंने उसे कई बार रुकने को कहा कि खाना खा कर चले जाना, लेकिन वह रुकता नहीं था। एक दिन मैंने मंगल से कहा, दोपहर के मुझसे पढ़ा करो, कुछ सीख जाओगे तो मैं तुम्हारा नाम स्कूल में लिखवा दूंगी, भेड़ों का भी कुछ इंतजाम कर लेंगे। मंगल ने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने उसके अंदर एक बात देखी कि वह हर चीज को एक बार में ही सीख जाता था, उसे सब कुछ बहुत जल्दी याद हो जाता था। एक दिन मैंने मंगल से कहा, मैंने बात कर ली है, तुम्हारा नाम स्कूल में लिखवा रही हूँ, तुम यही रहना मेरे पास, भेड़ चराना बंद करो, तुम्हारे खाने पीने रहने सब मैं देख लूँगी, तुम बस पढ़ने पर ध्यान दो। मेरी बात सुनकर वह एक आज्ञाकारी बेटे की तरह हाँ हाँ करता रहा। मंगल मेरा बहुत ध्यान रखता था, वह पढ़ने लगा। क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर मंगल के ही आते थे। इसी तरह 3 साल बीत गए। मेरा तबादला होना था। मैंने मंगल को सारी बात बताई, वह रोने लगा। बोला, चाची मुझे भी आपके साथ चलना है। मैंने कहा, तुम यहाँ मन लगा कर पढ़ना, मैंने तुम्हारा सब इंतजाम कर दिया, इसी घर में रहना, घर का किराया खाना पीना सब इंतजाम कर लिए हैं, पैसे हर महीने प्रिंसिपल साहब से ले लेना, मैं उन्हें मनी ऑर्डर भेजता रहूँगा। मंगल मान गया। अब वह मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने आया। जब मैं जाने लगी तो उसने मेरे पैर छुए और वह रोता रहा, आंखें तो मेरी भी नम हो गई थी। वहाँ से आने के बाद अगले 3 साल तक मैं पैसे भेजती रही और प्रिंसिपल से मंगल को बारे में पूछती रही। उसके बाद प्रिंसिपल ने बताया कि मंगल शहर चला गया है, किसी को कुछ बताकर नहीं गया है। मुझे उसके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया। मैं उसे अपने पता और फ़ोन नंबर देकर आई थी कि कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करना। इसी तरह 5 साल बीत गए, ना मुझे मंगल के बारे में पता लगा, ना मंगल ने मुझसे मिलने की कोशिश की। मैं लगभग उसे भूल चुकी थी। आज रविवार का दिन था, मैं देर से उठी, राजीव ने आज नाश्ता बनाया था, हम दोनों घर के बाहर बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी पुलिस की गाड़ी हमारे घर के बाहर आकर रुकी, उसमें एक पुलिस ऑफिसर हमारे पास आया। उन्हें देखकर राजीव और मैं खड़े हो गए।
राजीव ने पूछा, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? लेकिन वह इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोला और हमें देखता रहा। राजीव ने मेरी ओर देखा, मैं भी सकते में थी कि हमारे घर पुलिस क्यों आई है। तभी उसने आगे बढ़कर राजीव के पैर छुए, फिर मेरे पैर छुए। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, वह बोला, चाची आपने इस भेड़ चराने वाले बेटे को भूल गई क्या? मैं कुछ बोल न सकी, मेरी आंखें भर आई थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हुआ। हजारों सवाल मन में थे लेकिन मुझे मुँह नहीं खोल रहे थे लेकिन मुंह नहीं खुल रहा था। मंगल एक इंस्पेक्टर के रूप में हमारे सामने खड़ा था। राजीव ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उसने बताया कि कैसे वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर गया, यहाँ वह काम भी करता था और पढ़ता भी था। इसी तरह पढ़ते पढ़ते उसने ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। अभी 2 दिन पहले ही उसकी नौकरी लगी है। वह सबसे पहले यह खबर सुनाने हमारे पास आया था। मुझे मंगल को देखकर बहुत खुशी हुई। मेरे जिद करने पर वह हमारे साथ ही रहने लगा। 6 महीने बाद मैंने एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी।